प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने साल 2015-16 दी चार रिपोर्टां पेश कीतियां ने। सी ए जी वालों वित्तीय रिपोर्ट, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग रिपोर्ट, आमदन रिपोर्ट और सोशल जर्नल से आर्थिक सैक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार की वित्तीय आमदन बहुत घट है पर खर्चे ज़्यादा ने, क्योंकि सरकार ने तनखा, पेनशन और सबसिडी आदि पर बहुत खर्च किया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 के विचकार कुल कमाई 41,450 करोड़ रही, जबकि खर्चा 50,073 करोड़ सी। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸਮੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਕੇ ਬਰਾਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, डेफिसिट्स कितने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है स्टेट का, पंजाब फिस्कल डेफिसिट क्या है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे हमने देखा है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है, डेट भी बढ़ रहा है पंजाब सरकार का, और जो पंजाब सरकार जितना खर्चा कर रही है उस पर जो खर्चा डिवेलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर है, जो कल आपको रिटर्न देगा या जो डिवेलपमेंट के इकॉनमी को बूस्ट देगा उस पर वो खर्चा बहुत कम है। और इनफैक्ट वो जो कई हमारा जो ऑल इंडिया एवरेज है उन बहुत सारे यार्ड स्टिक्स पे ये ऑल इंडिया एवरेज से भी पंजाब का वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम है। जो हमारी पंजाब के विभिन्न विभागों की जो रिपोर्ट है उसमें हमने दो या तीन चार परफॉर्मेंस ऑडिट्स किए हैं। एक दो तो हमने जो फ्लैगशिप स्कीम्स कहलाती हैं उन पे किया है, सर्व शिक्षा अभियान पे और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट है, वो रिपोर्ट में उसमें काफ़ी अच्छी फाइंडिंग्स हैं। एक हमने एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है जो ट्रेजरीज का या पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो अब कंप्यूटराइज हो रहा है और उसको हमने उसके सिस्टम को हमने ऑडिट किया कि वो जो कंप्यूटर सिस्टम लगा है वो क्या उसमें इतने कंट्रोल्स लगाए गए हैं कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो सके।